नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको सखावटी नीम कथा नाता समाचार। मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यक्रम में नीम कथाना में आज मुख्यमंत्री का गहलोत का कार्यक्रम है। अभी तक नहीं आए किसी कारण से मुख्यमंत्री, लेकिन आने की संभावना है और वो खिलाड़ी बने। उस सोच को देखते हुए ही ओलंपिक खेल चालू किए थे और जो हर गांव में हुए हैं, हर गांव की भागीदारी हुई है इसमें, हर ढाणी की भागीदारी हुई है इसमें। हर बच्चा कह रहा है मैं भी खेल के आया हूँ, मैं भी खेल के आया हूँ। फिर जोश उत्पन्न हुआ राजस्थान में पूरे में। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच, सेवा ही परमो धर्म है, उसको सार्थक करने का काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। भैया नीम के थानावासी बैठे हैं, हम जब एंट्री हुए आज सुबह से यही काम कर रहे थे। वही गांव में पंचायतों में उपस्वास्थ्य केंद्र किसने खुलवाए? साहब अभी खुले हैं। पीएससी सीएससी बड़े अस्पताल ये खोलने का काम किसने किया? तो सारे के सारे आपके विधायक महोदय ने किए, सम्माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किए। इनके कहने जो मोदी जी ने आदेश किया, सुरेश जी ने वही काम किया। और तो और अभी तक तो हमने सुना था कि ग्राम पंचायतें बनती हैं, उप तहसीलें बनती आई, तहसीलें बनती आई, पंचायत समितियां बनती आई, लेकिन पूरे राजस्थान का भूगोल बदलने का काम किया जिला बनाकर के तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। पूरा नक्शा बदल दिया और उस नक्शे में एक जगह नीम का थाना भी आ गए तो थाना में तो रूम तो बड़ों से हो जाए। तो ये जिला बनाने का श्रेय मुख्यमंत्री जी से लिया तो सुरेश मोदी जी ने लिया। अभी एनसीसी कह रहे थे वो मोदी ने बनाना किया, वो मोदी ने ये किया, लेकिन यहाँ के सुरेश मोदी ने, नीम का थाना के सुरेश मोदी ने जो काम किए वो उठा करके आप देखेंगे। नीम का थाना का नक्शा बदलने का काम किया तो तुम्हारे सुरेश मोदी जी ने किया, यहाँ के एमएलए साहब ने किया। और सहपरिवार सेवा में लगे रहते हैं। राजस्थान में एक एक योजना, बेशक घरेलू बिजली 100 यूनिट फ्री करने का हो, 2000 यूनिट का हो, पालनहार पेंशन 1500 कर दी, वृद्धावस्था पेंशन 1000 कर दी, पूरे राजस्थान के युवा कर्मचारियों का भविष्य ओल्ड पेंशन ला करके कि उनको 60 साल के बाद चिंता नहीं रहेगी कि क्या होगा, वो पेंशन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करी। कामधेनु योजना, लेकिन उन सबसे बड़ी जो योजना लाए मुख्यमंत्री महोदय, जिसका हर गांव और हर ढाणी में हर वर्ग के आदमी को जो भागीदारी मिल रही है वो सबसे बड़ी है, चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना में आपके यही थे, हमने प्रमाण पत्र भी उनको दिए थे, तो कितने लोगों ने, कितने बच्चों की जानें बची। 25 से 30 लाख रुपए दिए गए। किडनी तो माँ ने दे दी, बहन ने, बेटी ने दे दी, दादी ने दे दी, लेकिन जो पैसा खर्चा उठाने का प्राइवेट अस्पताल में काम किया लाखों रुपए का, तो वो राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। ये काम दुर्घटना में, दुर्घटना बीमा 5 लाख से 10 लाख करना, और जिनकी कोरोना में जिनके माता पिता नहीं रहे, जिनके माता पिता नहीं रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ दीपावली मनाई, पूरे राजस्थान के उन बच्चों के साथ दीपावली मनाई, और पूरे राजस्थान में जिनके माँ बाप गए कोरोना में उनके हर घर से एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करी तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने। और उस घर की बेटी 18 साल की हुई तो उसके खाते में 5 लाख रुपए डाले, 2500 रुपए पर महीना उन बच्चों को पढ़ाई का खर्चा दिया जा रहा है तो राजस्थान की सरकार की ओर से दिया जा रहा है। गांव में आप माने नहीं माने, लेकिन सब बैठते हो चौपाड़ पे, उसको पानी तो पियो ही, जो कोई सो भी आया तो गांव हम भलो को ना कोई कौन पीतो है वो घना सारा पिए, मैं देख रहा हूँ, चलो मेरे साथ अभी चलो गांव में। वहां बैठे बैठे बुजुर्ग बात करते हैं, पोता आया
अभी रक्षाबंधन के दिन हम भी गांव में थे तो बाबा 10 रुपया दे दे के लागो वो बर्फ बेच वालो आयो तो बर्फ ले रहा हूँ वो इधर से टहल चले खोपरा की बर्फ है जब छोरी आ रही थी तीजा ने राखिया ने छोरी दूंगा मैं तो तुम्हें 2 रुपया तो वो रुपए का इंतजार कर रहा कद आ जाएगी मेरी पेंशन कद आएगी 10 तारीख तक आ जाएगी कि 11 तारीख तक आ जाएगी कि एक एक बुजुर्ग माँ बाप के खाते में पेंशन डालने का काम अगर कहीं है तो राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किया। तो ये सारी एक एक योजना फ्री दवा पर्ची भी नहीं लगती अब तो 10 रुपए की पर्ची भी नहीं बढ़े जांचे कराना और मेरे विभाग में देवस्थान विभाग में आपके सीकर के नीम का था के 36 बिरादरी के आदमी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में गए और हमने लाख से ऊपर यात्रा अभी तक करवा दी। आज तक जो रामेश्वरम जा रहे हैं गंगा सागर जा रहे हैं तिरुपति जा रहे हैं काठमांडू जा रहे हैं और पशुपतिनाथ भी जा रहे हैं तो आपने देखा होगा एक इंद्रू है ना एक अम्बा जाके आई थी। तो ये जो श्रवण का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंदिरों में पैसा देना जो देवस्थान विभाग के मंदिर है हमारे 593 मंदिर में 593 लाख रुपए दिए कॉरिडोर बनाने का काम हो बैणेश्वर धाम कैला देवी खाटू श्याम गोविंद देव जिस मंदिर का भी प्रस्ताव आया हमारे पास हमने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। लेकिन अब आपके पास आएंगे चुनाव आ रहा है भाई सबकी भी बटे को चुनाव में खाने की भी बांटे भी मिलेगो बांटेंगे शाम के टाइम पे कि खाने को भी बांटेंगे कि सब कुछ बांटेंगे फिर जाति पे ले आएंगे फिर धर्म पे ले आएंगे आपको बांटने का काम करेंगे कुछ ना कुछ लड़ाई दंगे भी हो जाएंगे सब काम होएंगे। तो चुनाव में दूसरी पार्टी के पास में कुछ बचा ही नहीं आप बताइए वो क्या कहें अस्पताल की बात करें अस्पताल खोल ओल्ड पेंशन कर बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात करें वो भी बढ़ा दिया आंगनवाड़ी आशा सहयोगनी स्कूल में खाना बनाने वाली जो भी सब मानदेय पे लग रहे थे उनका भी बढ़ाने का काम कर दिया मुख्यमंत्री महोदय ने जिले पंचायत कोई कसर नहीं छोड़ी पॉइंट तो कुछ बचा नहीं है। बीजेपी करे विकास की बात करे बताइए आप 70 साल का विकास एक तरफ रख लीजिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बार का आप विकास आपके नीम के थाना का ही तोल लो बराबर तोल के देख लेना किसका ज्यादा है उसी तोल के हिसाब से आगे आने वाले 2023 में सुरेश मोदी जी को आप जिता करके भेजे तो मालूम है आपको जैसा इन्होंने काम किया उसी भावना से आप आपस में बटे नहीं जाति पे धर्म पे किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में नहीं आए लोभ में नहीं आए लालच में आओ खाओ पियो मौज करो बैंड बाजा से स्वागत करो टीको करो रिश्तेदार में आ जाए तो पर रिश्तेदार ने कह दिया उनको वोट तो ऊंडी नहीं देनो थे जैनी तुम्हारो काम हो से गाँव हटाने को मना मुड़ जाए हो बदल मना जाए मोदी जी तो कह रहे थे मैं तो उनकी खातर जान लगा दी मुख्यमंत्री गहलोत अभी नहीं आए हैं लेकिन कार्यक्रम जारी है और आने की संभावना है। आप सभी को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इंतजार कोई बात नहीं लंबा हो गया हम नेताओं की कई बार बहुत परिस्थिति ऐसी हो जाती है मजबूरी हो जाती है कि हमको चाहते हुए भी हम इधर रास्ते पे ले जाकर के आप ही बता दो गांव में जब चुनाव प्रचार में हम जाते हैं कई गाँव में कहेंगे पर्चा छप रहा है हमारा भाई ये गांव में जाना ना ना मैडम उड़ेसी की जय एडीसी माई डाली से थोड़ी दूर से चलो चलो थोड़ी दूर से उड़ीन ले जाए फिर वो गांव से आगे जाए फिर कहें थोड़ी दूर बस थोड़ी आधी 10-1 मीटर ही से मैडम उड़ीन वो गांव में चलो वो गांव में चले जाए और फिर पहुंचते पहुंचते जहां हमारा प्रोग्राम होता है वहां तो 2 घंटे लेट हो जाते। तो ये आप सबकी ही मर्जी होती है और पुनः मैं सुरेश मोदी जी आपने जो काम किए मुझे भी यही लगता है कि और मेरे को लग रहा था कि मेरे बांसुर में कम काम हुआ आपके नीम के थाना में ज्यादा काम किया है। कौन कौन सी सड़क किनारे थे अभी 150 करोड़ 100 करोड़ भाई कोई 2 करोड़ 4 करोड़ के तो आज से पहली हम भी सुना जाए या बुजुर्ग बैठे हैं कहीं अब तक MLA रहे होंगे कितने लोग रहे होंगे लेकिन यह सुना था 2 करोड़ को काम होगो 4 करोड़ को काम होगो पर मैं तो था रहे यहाँ सीकर में आ रही चाहे अध्यक्ष महोदय हो गोविंद सिंह डोटासरा जी हो तुम्हारे चाहे जितेंद्र सिंह जी हो यहाँ बैठे हैं
तो ये सारे के सारे मुझे किनारे जितेंद्र सिंह जी मेरे तो 150 करोड़ के हो गए, वो कह रहे मेरे 200 करोड़ के हो गए, फिर तीसरा काम कह रहे मेरी एक सड़क हो गई 170 करोड़ की। रे तो करोड़ा में काम करे है तो अन्य लाखा में तो वोट दे दियो, तुम किमी तो सोचो पक्का देंगे, पक्की तय हो गई। अरे मना बदल जाए और आप सही कोई आ जाए रिश्तेदार दो जिमा तो भी हो उन्हें थम भी जीत ली जो बदलियो ना ये तो बदला हो ना तो थम मना बदल जाए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गणेश्वर धाम की जय। बहुत बहुत आभार मंत्री महोदया श्रीमती शकुंतला रावत कैबिनेट मंत्री, आपने अभी उद्बोधन दिया, हार्दिक आभार। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर हम जाने वाले हैं। मैं हमारे बीच उपस्थित मंत्री महोदय श्री राजेंद्र जी यादव का स्वागत करने के लिए श्री राजेंद्र जी यादव प्रधानपति, श्री प्रेम जी यादव, श्री डीपी यादव, श्री दिनेश यादव, श्री राम यादव पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष, श्री बसंत यादव और श्री सुरेश यादव से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और माननीय मंत्री महोदय श्री राजेंद्र सिंह जी यादव का सम्मान करें। आप सभी मंच पर सम्मान कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हैं। श्री राजेंद्र जी यादव प्रधान प्रतिनिधि, कृपया आप मंच पर पधारें। पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। एक बार मंत्री महोदय का सम्मान होने जा रहा है, एक बार करपल ध्वनि के साथ हम हमारे बीच मौजूद माननीय राजेंद्र सिंह जी यादव का सम्मान करने के लिए जोरदार करतल ध्वनि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम माननीय मंत्री महोदय श्री राजेंद्र सिंह यादव राज्य मंत्री उच्च शिक्षा आयोजना स्टेट मोटर गैराज एवं गृह एवं न्याय राजस्थान सरकार का हार्दिक अभिनंदन स्वागत सुस्वागतम। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप भी इस स्वागत में अपना समर्थन शामिल करें, अपना अभिनंदन शामिल करें। हमें आप करीब 3:30 बज चुके हैं, हमारे बीच अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, किसी कार्यक्रम की व्यवस्था से लेट हो गए। 11 बजे का टाइम था। समाज नीम का थाना इकाई, जिला नीम का थाना इकाई की ओर से पाटन नीम का थाना खंडेला श्री माधोपुर उदयपुर वाटी की ओर से 51 किलो की माला और श्री कृष्ण भगवान की फोटो भेज कर हम इनको माननीय सीएम साहब तक श्री कृष्ण बोर्ड का गठन होने के ऊपर राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री को संपूर्ण समाज की ओर से बहुत बहुत आभार बधाइयां और धन्यवाद। राजेंद्र जी यादव हमारे मंत्री महोदय के मार्फत से हम ये हमारा जो आपको सम्मान दिया गया है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अर्पित करें। धन्यवाद। जय। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं नीमका थाना